पिचिंग में हम देखते हैं तो आप विकेटों के तो आपने अंबार लगाए हुए हैं, अभी भी 32 विकेट लेकर आप जो है ना वो गए थे दोबारा टेस्ट में, रन भी आप बना लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा लगता है कि आपका बल्ला रन बनाना ही भूल जाता है। क्या प्रेशर होता है या क्या ऐसा मामला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके बल्ले थे वो रन नहीं बन रहे? अब पूरी दुनिया में मॉडर्न डे क्रिकेट में टेल 25-25, 30-30 रन ऐड करती है कि वो तो सेंचुरियां बना के चले जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट की अब रिक्वायरमेंट यही आ गई है कि आप अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर भी हैं तो आपको टीम के लिए 25-30 रन बनाने आने चाहिए। और बिल्कुल जो लास्ट सीज़न मेरा डोमेस्टिक का हुआ है उसमें मैंने काफ़ी 30-30, 35-35 करके काफ़ी टीम के लिए रन भी किए हैं और मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रैक्टिस भी काफ़ी की थी। लेकिन बात यह है कि आपको टीम के लिए क्या ज़रूरत है कि आप जिस नंबर पे खेल रहे हो, आपके साथ अगर एक जेन्युइन बैट्समैन खेल रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप जो है अपनी विकेट बिला वजह ना घुमाओ। तो मेरी कोशिश यही थी कि जब मैं आमिर जमाल के साथ बैटिंग कर रहा था, क्योंकि आमिर जो है वो मुझसे एक तरह से, क्योंकि वो ऑलराउंडर है तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है, तो मुझे रोल ये दिया गया था और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जहाँ तक मैं आमिर के साथ रह सकता हूँ उतना ही टीम को फ़ायदा होगा। बिल्कुल मैं रन बना सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से टीम की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि मैं खुद रन बनाने जाऊँ, क्योंकि आमिर ऑलरेडी रन बना रहा था। और शायद मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था, इसी वजह से हमने रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी कायम की। वहाँ पर इसी ग्राउंड पे न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेल रहे थे, सबको आप बीट कर रहे थे बट विकेट नहीं मिल रही थी। फिर मालबन की पहली उसमें सेशन में या पहले दिन जो आपकी बॉलिंग थी नहीं इतनी ज़्यादा कामयाबी मिल पा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार अब ये मैच मेरा ख़त्म हो रहा है, मेरा ये करियर शायद इसके बाद मुझे दोबारा मैच ना मिले। मैं अगर शुएब भाई आपको सच बताऊँ, ऑन रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ कि जब मैं मेलबर्न का मैच खेल रहा था तो उस मैच के स्टार्ट में मॉर्निंग में मैंने अपने आप को बता दिया था कि मीर हमज़ा साहब ये आपका आखिरी मैच है, आप अगर इसमें परफॉर्म करोगे तो फिर शायद आप कंटिन्यू करोगे, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आगे खेलने के। क्योंकि ऑलरेडी मैं उस जनवरी में पिछले साल 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका था, मैंने आउट नहीं किए। नो डाउट अगर मैंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट काउंट होता है कि आपने कितने टीम के लिए आउट किए हैं। तो मैं अपने इस अपॉर्चुनिटी को आखिरी अपॉर्चुनिटी समझा था। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब मैंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अनलक्की रहते हो। जब मैंने मेलबर्न में पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की तो वो मेरे जो करीबी दोस्त थे उन्होंने मुझे कॉल की कि यार मुझे लग रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके लिए लक आपके लिए साथ नहीं दे रही। तो जब मैंने अगले दिन 3 आउट किए तो मैंने खुद उनको कॉल की है और मैंने उनको कहा कि अब देख ले, यहाँ से मेरी क्रिकेट विकेट स्टार्ट हो गई है। वो बहुत खुश भी हुए थे, जाहिर है वो मेरे काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं, मेरे हमदर्द भी हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल मैं अनलक्की रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी विकेट स्टार्ट हो गई है। PSL आ रही है, PSL का सबको इंतज़ार होता है। PSL का लास्ट एडिशन आप 1 ओवर करा सके और फिर इंजरी का शिकार हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पहले ही मैच में इंजरी का शिकार हो गए। वो लम्हा कैसा था और अब PSL आ रही है, क्योंकि आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके ऊपर एक छाप लग गई, आप रेड बॉल के बॉलर हैं, तो समझते हैं कि वाइट बॉल के लिए आपका दरवाजा खोल सकता है। शुएब भाई, लास्ट PSL की बात करूंगा। जब हम पहला मैच खेल रहे थे तो पहले मैच से पहले हमने 1-2 दिन नेट प्रैक्टिस भी की और उस दिन हमने वार्म अप भी किया। तो उस नेट प्रैक्टिस में जो हमारे टीम डायरेक्टर थे वसीम भाई, वसीम अकरम, वो हमें देख रहे थे और इवन वार्म अप में भी वो मुझे देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मीर हमज़ा, आपको ज़्यादा वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जिस तरह बॉडी लग रही है, जैसे बॉल स्विंग हो रही है, कह रहे हैं मुझे इंशाल्लाह ये यकीन है आप पे कि आपका इस PSL में आप बड़े अच्छे बॉलिंग फिगर्स आपके आएंगे और टीम को बड़ा फ़ायदा होगा। कह रहे हैं अभी आप रेस्ट करें, आप मज़ीद अब आपको कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है वार्म अप में। तो वो मेरे ख़्याल से मैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ कि मैं पहले ही ओवर में इंजर्ड हो गया और 2 ओवर में मैंने शायद बॉलिंग भी अच्छी की थी। लेकिन बात यह है कि जब इंजरी के बाद मैं वापस घर गया तो पहले 2-3 दिन तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इंजर्ड हो गया हूँ। और दूसरा, फिर मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कोई PSL का मैच नहीं देखा, क्योंकि जब मैं मैच देख